अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे अपने घरों में, आमीन सुमा आमीन। ये हम लकी वन पर आए हुए थे और ये इसका बिल्कुल नीचे का एरिया था, तो हम यहाँ पर आए हुए थे। ग्रॉसरी तो हमें कोई करनी नहीं थी क्योंकि हमारी ग्रॉसरी अमूमन जो है हमारे घर के बैक साइड में मार्केट है एक बड़ी, वहाँ पर ईज़िली हर चीज़ में अवेलेबल होती है, तो हम वहाँ से हर चीज़ ख़रीद लेते हैं आसानी से। तो बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा हमें घोड़ों पे घुमा दें, तो हम लोगों ने तो है इसमें थोड़ा सा, मैंने कहा चलो खुश हो जाते हैं बच्चे फिर इस तरह से, तो हमने इसमें इंजॉयमेंट करवा दी थी। तो ये अगला दिन था और जो है मोहम्मद सालिक जो थे उनके जो बीच का मेरा बेटा है उसके स्कूल में थी वन डिश पार्टी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है वन डिश पार्टी में क्या रखूं, क्योंकि ये इनको स्पैगेटी खाते हुए शर्म आती है स्कूल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको वो सूप करना पड़ता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इनको शर्म आती है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना देती हूँ स्कूल के लिए। तो मैंने इसमें जो है ना कैबेज मैंने कद्दूकस कर ली थी, इसमें मायोनीज डालनी थी मुझे, और मैंने रात को ही सारी तैयारी कर ली थी। मैंने कहा चलो ईज़िली आराम से रात को ही सारी तैयारी कर लेते हैं ताकि जो है ना सुबह, बस क्योंकि सुबह जो है ना उठने का दिल नहीं चाहता, बच्चों को तैयार करो और ये तो बहुत बार मुश्किलों से तैयार होते हैं, इनको तैयार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमने कद्दूकस कर ली थी और हमने अब मायोनीज डालना शुरू कर दिया। मायोनीज बिल्कुल ख़त्म हो गया था, रात का टाइम था, तो मैंने कहा बस चमचे से निकाल निकाल के डाल लेते हैं क्या करें, नहीं था तो, लेकिन जो है ना मुझे बोतल धोनी थी, हाँ मुझे इसकी बोतल धोनी थी, तो मैं चाह रही थी बिल्कुल साफ़ उतर ख़त्म हो जाए बिल्कुल इसके अंदर से, ताकि मैं रात को ही धो के रख दूँ और सुबह जो है नया मायोनीज डालूँ और ये फिर इजीली यूज़ हो जाए। तो इसमें हमने कम लग रहा था थोड़ा सा मुझे, तो फिर मैंने इसमें और एक्स्ट्रा डाला, फिर जो है ना मैंने फिर पैकेट का भी खोलना पड़ा मुझे, तो कि बोतल हमें धोनी थी इस वजह से मैंने पैकेट का फिर ऐसे ही डालना पड़ा क्योंकि उसको तो लाजमी धोना था मुझे। इस तरह जो है ना बस एक वहम सा वो हो जाते हैं हल के, ख़राब नहीं है जो, क्योंकि धो के मैं हर चीज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ, जैसे कैचअप अब ख़त्म होता है तो उसको धो के दोबारा फिल कर लेते हैं, इस तरह मायोनीज ख़त्म होता है तो उसको धो के दोबारा फिल कर लेते हैं, तो जहन में ये नहीं होता कि ये ख़राब हो जाएगा एकदम पुराना, क्योंकि उसके साइडों से तो लगा हुआ होता है ना। ये देखिए बिल्कुल साफ़ कर ली मैंने, और इसके साथ मैंने बनाया हुआ था ये चिकन के रेशी करके और उसको आलू के साथ मैश करके नगेट्स टाइप के मैंने बना दिए थे, और ये मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था दोनों चीज़ों को आराम से ना। फिर जो है सुबह का टाइम था और मैंने जो है ना इसके कबाब जो है ना नगेट्स टाइप के बनाए थे, जैसे हम बनाते हैं आलू और हरा मसाला था उसके अंदर, मिर्चें नहीं थी क्योंकि मिर्चों से बच्चे अवॉइड करते हैं थोड़ा, तो मिर्चें नहीं थी उसके अंदर, बाकी सारा हरा मसाला था उसके अंदर। और जो है ना उसको सबको मैंने पीस लिया था, अपना आलू की चिकन और ये सब ना, तो फिर मैंने कस के कबाब फ्राई करके उसको तोड़ दिए थे, इन कबाबों को ना तोड़ दिए थे और इनको साइडों पे करके मैंने रख दिया था फैला कर, ताकि जो है ना बस इनको इजीली हर जगह से मिल जाए, क्योंकि फिर मैं वो क्या बोलती हूँ उसको सैंडविच मेकर फिर बंद नहीं होता, फिर ज़्यादा मोटा हो जाते ना इस वजह से बंद नहीं होता। तो फिर जो है ना मैंने, अब ये हो रहा था सुबह का टाइम, तो इस वजह से सुबह के टाइम में जल्दी जल्दी बस एक पाँव मेरा कमरे में होता था बच्चों को चेक करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं, एक पाँव मेरा किचन में होता है चाय बनाना नाश्ता बनाना फिर सैंडविच बनाना, इस तरह उनके ऊपर मैंने चीज़ वगैरह डाल दी थी। और मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि मैंने इसमें जो कैबेज रात को मैंने तैयार करे थे ना वो डालना भूल गई थी मैं, तो ये मैंने चीज़ वगैरह डाल दी थी इसके अंदर। और मैंने चॉकलेट बना दी थी रात को इनके लिए, कुकिंग चॉकलेट निकाल के उसको मोल्ड में डाल के उसको जमा दिया था, तो मैंने कहा वो भी ले जाएंगे वो खा लेंगे, और जूस वगैरह दे दिए थे मैंने, क्योंकि ये इतने ज़्यादा खाती नहीं है, बहुत ज़्यादा खाते नहीं हैं ये मोहम्मद सालिक जो है हमारे, तो इस वजह से मैंने बस थोड़ा सा रख दिया था, और ये हमारे सैंडविच होने तैयार होने के लिए रख दिया। इसमें इतने में मैंने नाश्ता निकाला, इन्होंने नाश्ता करा और ये हमारे सैंडविच हो गए थे तैयार। तो बहुत ही सिंपल फिर रेसिपी थी वन डिश पार्टी के लिए, तो बेस्ट रहता है ये बहुत ज़्यादा। और ये हमारे हो रहे तैयार शुरू हो गए थे होना, ये देखिए रेडी भी हो चुके हैं, और जो है ना अच्छे लगते मज़ेदार होते हैं, फिर इनको बहुत ज़्यादा मज़े के लगते लगे थे, तो इसमें से थोड़े से बच गए थे, जैसे वो बच गया था थोड़ा इनके कबाब के जो मिक्सचर था वो बच गया था,
कैबेज में डालना भूल गई थी, वो बच गई थी, तो मैंने फिर शाम को चाय के साथ दोबारा तैयार कर दिए थे इसको ना। तो मैं सारे बच्चों के लिए भी बना रही थी, दो जो बच्चे हैं मेरे और तीन बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो एक बेटी और बेटा भी है उसके लिए भी बना रहे थे कि लंच के लिए वो लोग भी ये ले जाएंगे और ये भी इनकी पार्टी भी शुरू हो जाएगी। बराबर में थी हमारी चॉकलेट तैयार, ये देखिए मैंने इनका लंच तैयार कर दिया था और इनकी चॉकलेट मैंने ऊपर नहीं रखी थी क्योंकि गर्म हो रहा था सैंडविच तो पिघल जाती है उसके उससे, तो इस वजह से फिर मैंने ऊपर नहीं रखती। ये हमारा जो है वो रह गया था कैबेज, ये मैंने मुझे बहुत अफसोस हुआ था। तो ये हमारी थी वन डिश पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।